राखी के साथ रितेश है हमेशा है कई बताऊं कि राखी मेरे लिए लकी है और मैं भी राखी के लिए लकी हूँ हेलो वाइज वेलकम टू माई चैनल ये टी वी फिल्म ये राखी सावंत फर्स्ट एक्स हस्बैंड रितेश सिंगर रिवील शॉकिंग स्टेटमेंट अगेन आदिल खान दुरानी ही हैज मेड ए बिगर रिवीलेशन दैट आदिल खान दुरानी मैरिड राखी सावंत फॉर द सेक ऑफ फीम एंड शी हैज बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड आदिल खान रानी लेफ्ट राखी नाउ आदिल खान राखी इज एंजॉयिंग हिज लाइफ बाय शीटिंग राखी राखी अभी आई नहीं है राखी इज स्टिल इन दुबई राखी की लाइफ में आना से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि राखी को सहारा देना बिकॉज राखी रियली टूटी हुई है बहुत बहुत उसके साथ गंदा गेम हुआ है मैं सब जानता हूँ uh, अनफॉर्चुनेटली मैं मैं ये चूंकि राखी हम लोग फेस टू फेस पहली बार हम लोग मिल रहे थे आफ्टर आई मीन आफ्टर जब हम अलग हुए तो पहली बार हम लोगों ने मिला दुबई में एंड उसके बाद जो उसने सुनाया इंसिडेंट रियली रियली उसके साथ बहुत बुरा हुआ है एंड uh, आज भी हो रहा है और ये सब मैं भली भांति जान सकता हूँ क्योंकि मैं ये ये पेन से गुजरा हूँ तो मैं जान सकता हूँ कि ये कितना पेनफुल है एंड uh, राखी के दुश्मनों को मैं एक बात ज़रूर बता दे रहा हूँ जो राखी को आई I मीन mean, वो बंदी पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए आप लोग घुमा ले रहे हो बहुत अच्छी बात है बट एक बार जस्ट ध्यान रखना कि उसके साथ रितेश है और जहाँ राखी मैं राखी का कॉम्प्लीमेंट हूँ कॉम्प्लीमेंट समझते हो पूरक उसको हिंदी में पूरक बोलते हैं पूरक कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं जहाँ राखी कमजोर है वहां पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ठीक है तो राखी को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा और रही बात कि आप लोग अभी तक आपको माफ करते गया है हम, हम लोग सभी माफ़ करते गए हैं मैंने ही राखी को बोला कि छोड़ो इन सब चक्करों में पढ़ के अपना क्यों टाइम बर्बाद करने का आगे बढ़ो अपनी लाइफ में ठीक है अगर चीजें सही नहीं है तो अपनी अब भूल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ क्यों किसी के बारे में सोचने का ठीक है बट अभी तक वो लोग सुधरे नहीं है ठीक है तो अगर जिस दिन हम लोग वापस पे आए और समझ लो कि जो गेम अभी तक तुम खेल रहे हो वो सब गेम के जो हेडमास्टर होंगे ना वो आज भी हमसे ट्यूशन लेते हैं तो प्लीज राखी के साथ रितेश है हमेशा है अब ये ध्यान में रखो कि तुम पर वापस से हम लोग हम लोग अभी तक तुमको बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं कि छोड़ो यार क्या ये अपने ला, लायक भी नहीं है और तुम लोग बस गिदड़ की तरह इधर उधर उधर इधर उधर राखी अकेले नहीं है और जब तक रितेश है तब तक मैं टूटने दूंगा नहीं उसको ये ध्यान में रखो तुम कितना भी कुछ कर लो कितना भी कुछ कर लो और जब रही बात की केस केस बहुत खेलने का शौक है ठीक है केस केस मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है केस केस का मैं खुद एलएलबी एल बी हूं तो केस केस बहुत खेलने का शौक है तो अब तुम नहीं मानोगे तो बहुत अच्छे से हम लोग केस केस खिलाएंगे ठीक है तो ध्यान में रहे और रही बात कि झूठे झूठे न्यूज़ को चला के कि बिग बॉस में जा रहे हो तुम अबे तुमको बिग बॉस में कौन लेगा बिग बॉस में क्या तुमको कौन लेगा तुमने क्या किया है ठीक है क्या किया है बिग बॉस में जो तुमको ले लेगा लोग जाके झूठ मूठ के एक एक वो फेक अवार्ड वाले को पकड़े हो ठीक है जिस पर अभी अगर, अगर अभी मैं केस डाल दूं तो उसका अवार्ड शो बंद हो जाएगा फेक अवार्ड वाले को पकड़े हो जो अवार्ड अवार्ड के नाम पे जस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाता है तुमको ऐसा क्या किया है कि तुमको अवार्ड मिले ठीक है और राखी के पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम भी नहीं है राखी बहुत अच्छा कर रही है और सही बताऊं कि राखी मेरे लिए लकी है और मैं भी राखी के लिए लकी हूँ जब भी हम मिलते हैं तो हम दोनों के लाइफ में अच्छा कुछ होता है ठीक है तो राखी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कर रही है उसको बहुत सारे शोज मिल रहे हैं हो सकता है बिग बॉस में भी जाए बट कंडीशन मेरी भी कंडीशन वही है राखी की भी कंडीशन वही है तो बिग बॉस में जाए लेकिन बिग बॉस में वही सत पे जाएगी जब तेरे को दूर दूर तक मौका नहीं मिलेगा मैं ओपनली बोल रहा हूँ मैं किसी से डर के नहीं बोलता हूँ ना ही मुझे छुपा के बोलने की आदत है मैं एकदम ताल ठोक के मुंह पे बोलता हूँ और कभी भी तुमको अगर मौका तेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ा के जो जो कितने लोगों को जिंदगी खराब करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग नहीं चाहेंगे ठीक है तो जितना भी उछलना है कूदना है कूद ले तेरे को वैसे भी टीआरपी तेरे व्यूज अब आते नहीं है क्योंकि फेक व्यूज अब तुम्हारा हो गया है खत्म ठीक है तो बातें नहीं है जितना भी कर ले ऑफ अन, टैलेंट ही आगे बढ़ता है और राखी में टैलेंट है तेरे जैसे लोगों में टैलेंट नहीं है और रही बात कि जितने भी कुछ लोग झुंड बना के एक सनातनी आती है महिला मैडम आपको बता दूं सनातनी जी जिसके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं ठीक है सनातनी जी आपके लिए स्पेशली है जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं आपके पास आपके खिलाफ तो हमारे पास इतने सबूत हैं कि अगर रिवर्स पे हम लोग गए तो आप भी इसी के साथ समेटे जाओगे तो बेटर है कि अभी भी मौका है मेरा स्पेशली आपके प्रति कुछ भी नहीं है जो राखी को टारगेट करेगा मैं उसको टारगेट करूंगा ये ध्यान में रखना तो ये जस्ट आप लोग इस बात को समझें क्योंकि राखी में सच्चाई है पहले भी मैं जानता था इसलिए मैं सपोर्ट किया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं आज भी राखी में सच्चाई है इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि उसके साथ बहुत आप लोगों ने बुरा करने की कोशिश की है आज भी उसको आज भी उसको या लाइक राखी को लोग आके ये बोलते हैं उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड आके बोलती है कि मैं मिलना चाहती हूं वापस मैंने बोला खबरदार राखी मिलना नहीं तुम मिली ये लोग फिर कौन से षडयंत्र करेंगे तुम भोली हो तुमको वापस से फंसा के ये लोग फिर षडयंत्र करेंगे मिलना तभी अरे दोस्त ऐसे होता है जो दोस्ती टूट गई कल हो के दुश्मन के साथ मिल गया दोस्त वैसा नहीं होता दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है मां बाप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता दोस्ती होती है जब आप दोस्ती का महत्व नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो आपने आपने राखी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया कि राखी आपको मान जाओ कि दोस्त मैं भी अपने दोस्त को वो कई बार डांट देता हूं मैं अपने दोस्त को मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं आपको अक्सर बोलता हूं मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैं कई बार डांट देता हूं अबे चप ऐसे कर वैसे कर मैं डांट देता हूं उसको लेकिन फिर भी दोस्ती उसको बोलते हैं कि वो आएगा मेरे पास मैं कितना भी डांट के उसको गुस्सा करके फोन रख दूं। वो फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद एक घंटे बाद फिर कॉल करता है वो मुझे और बोलेगा देख मैं ये कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था इसको बोलते हैं दोस्ती ठीक है इसको बोलते हैं दोस्ती आप लोग दोस्ती का अर्थ नहीं समझते हो अच्छा तो वो अरेस्ट करके दिखाए ना भाई वही तुम बोल रहा हूँ अरेस्ट कर ले जो खुद ही हजारों केस लेके बैठा है वो बताओ दूसरे को कह रहा है जो खुद सजा काट के आया है वो खुद बोल रहा है दूसरे को कि दूसरे को अरेस्ट करवा देगा कहा है भाई वो तो राखी को राखी को वो चीज़ें जो केस ये कर गया था एफ जो कर गया था राखी को उसने सही अप्रोच लगाया नहीं नहीं तो जो जो चीजें वायरल कह रहा है इस पर रिवर्स केस होगा अभी रिवर्स केस होगा टेंशन मत लो वापस से केस होगा कि वो वीडियो जो है वायरल बहुत पहले से हुआ है और उसमें किसी को परेशान करना तो सब लोग समेटे जाएंगे टेंशन मत लो और आ रहा हूं मैं जल्द ही आ रहा हूं टेंशन मत लो जल्द ही आ रहा हूं मुंबई जल्द ही आ रहा हूं मुंबई राखी के साथ आ रहा हूं जल्दी ही आ रहा हूं मुंबई में राखी के साथ आ रहा हूं और उसके बाद तब पता चलेगा क्योंकि तीन साल तक मैं ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़ों लोगों को मैं आसपास फटकने तक नहीं दिया था अब राखी को भी रियलाइज हो चुका है ठीक है मैं राखी के साथ हमेशा हूं दुबई का फेवरेट फूड कौन सा है दुबई का फेवरेट फूड यार मैं तो यहाँ केवल कबाब ही खाया हूँ <laughs> बहुत सारे कबाब खाया हूँ बट पता नहीं कौन सा फेवरेट फूड है बट मैं तो खूब कबाब वबाब खाया हूँ क्योंकि राखी ने जो ऑर्डर दी दे, देती थी शूटिंग के बाद ढेर सारा कबाब और पिक्यू पूरी शूटिंग में हम लोग कुछ खाते नहीं थे कुछ भी खाते नहीं थे तो ढेर सारा कबाब ऑर्डर देती थी उसके बाद शूटिंग के बाद तो वही ढेर सारा कबाब ही खाया हूं मैं मैं ज्यादातर कबाब और जूस और यही सब खाता था ज्यादा कुछ वाइल्ड लाइफ कोई भी आना चाहे मेरे और राखी मैं अब अब राखी को सीधा अब लाइक बोल दिया हूं ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करने का कभी भी ये रो के भी आ जाए इनको माफ कर दो दैट्स ओके आप इनको माफ कर दो देखो यार मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूं माफ़ करने में मैं हमेशा विश्वास करता हूं मैं मेरे साथ इतना बुरा हुआ मैं सबको माफ करते गया डू यू थिंक लाइक मुझे लोगों ने गालियां दी मुझे लोगों ने ये भला बुरा कहा सभी लोग थू थू किए बट मैं गलत नहीं था हर बार लेकिन मैंने लोगों को माफ कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट नहीं हुआ राइट right? जब तक आप अपनी नजरों में नहीं गिरते हो आप इंपैक्ट नहीं होगे तो मैं माफ करने पे विश्वास रखता हूं मैंने राखी को बोला आप माफ कर दो आप माफ कर दो सबको माफ कर दो जितने भी लोग आपके साथ गलत किए हैं माफ कर दो बट वापस जुड़ने का नहीं ठीक है इसलिए जुड़ने का नहीं कि जब तक ये विश्वास ना हो जाए कि अगला सही प्राश्चित कर चुका है अगला सच में आपके पास प्राश्चित से आ रहा है ठीक है तब तक माफ नहीं करने का तब तक वो सोच लो कि तो वो नीति कहती है कि अगर फिर उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हो फिर से आपके साथ धोखा हो गया तो आपको दुनिया बेवकूफ कहेगी राइट लेकिन राखी के साथ बहुत बुरा किया है इन्होंने बहुत बुरा यार विश्वास को तार तार करना यार सही बताऊं मैं आप लोगों को ये सब चीज शेयर नहीं करता हूं कल राखी मेरे टाइम से अराउंड टू ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक दो बजे रात में राखी का मैं मेरे है टाइम से बिकॉज दुबई का टाइम जो है थ्री एंड हाफ आवर्स बिहाइंड है ठीक है मेरे टाइम से दो बज रहे थे राखी के टाइम से शायद साढ़े पाँच कुछ हो रहे होंगे तो बंदी जो है मुझे मैसेज मैं ऐसे लाइक like, uh, रात में उठा पानी पीने के लिए और देखा कि मैसेज है राखी का मैंने देखा तो बोली कि मैं बहुत परेशान हूं लाइक कैन वी टॉक तो लाइक like, uh, मैं उसको फोन किया वापस मैं बोला क्या हुआ राखी क्या हो गया राखी ने बताया कि सब लोग एक बंदे से लड़ाई हो गई एंड उसने सब बताया कि तुम्हारे ये हस्बैंड वो हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा किया वो ऐसा किया जो भी है एंड आई एम फीलिंग वेरी लो मैंने बोला कि देख दुनिया दुनिया बोलती है ठीक है दुनिया बोलती है मैं आपसे पूछता हूं जो बंदा आपको बोला आप उससे पूछो कि उसकी लाइफ क्या सब दागदार नहीं है इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कुछ ना कुछ गलत क्योंकि अप्स एंड डाउन्स किसी भी इवन तुम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन से ले लो लोएस्ट पर्सन से ले लो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं ठीक है तो यू शुड नॉट बॉर्दर कोई ऐसा इंसान जिसके लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं है वही कहने के योग्य है ठीक है वही आपको कमेंट कर सकता है अदरवाइज नो वन कैन कमेंट सो आप इसका टेंशन मत लो और रही बात कि आप सोच रहे हो कि फिर राखी बहुत लो फील कर रही थी बोल रही थी यार सही मैं बताऊं कि मैं मेरे लिए तो दुनिया खत्म ही हो गई है ये हो गई है मैं बहुत परेशान हूं मैं बोला यार सी दुनिया का सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि हम अलाइव हैं ओके दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर आपको लगे कि दुनिया एंड हो जाए ना तो केवल ये सोचना कि हम लोग अलाइव हैं तो मैंने बोला राखी यही मेन है और आपको जीना है इसलिए क्योंकि आप अपने को बोल्ड करो क्योंकि आप झूठ के खिलाफ अगर अपने को सरेंडर कर दोगे तो कहीं से भी दुनिया आपको अच्छा नहीं कहेगी आप बहुत सारे विमेन की इंपावरमेंट हो बहुत सारे विमेन लोग आपको आपको ये करते हैं कि भाई लाइक आप आप अच्छा करो बहुत सारे विमेन लोग आपको मानते हैं कि हाँ आपको देख के वो बोल्ड होती हैं तो यार आप आपको टूटना नहीं चाहिए ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते हैं ये राखी आप इसको टेंशन मत लो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो कौन दुनिया क्या कहती है उसके लिए हम बॉर्डर नहीं करते हैं हमको क्या हमारा हम अपनी नजर में क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं मैं तो चाहता हूं कि आप लोग आप लोग इस बात को बहुत ठंडे दिमाग से सोचे राखी एक बहुत ही अच्छी लड़की है ठीक है ऐसा ये नहीं है ना अगर पता नहीं आप कितना जानते हो मैं आपको आज ताल ठोक के बोल रहा हूं मैं अपने दोनों इंसिडेंट में गलत नहीं हूं ठीक है जिस दिन भी आपको प्रूफ पता चलेगा उस दिन पता चलेगा कि ना मेरा बिग बॉस में नेचर ऐसा था ना ही मैं उस टाइप का बंदा हूं जो किसी को हर्ट कर पाऊं मैं बहुत ही सॉफ्ट इमोशनल टाइप का बंदा हूँ हाँ मैं इम्पल्सिव हूं क्योंकि ऑफकोर्स mm. अगर कोई भी चीजें मेरे अनुसार नहीं होती आप किसी के लिए अच्छा करते हो चीजें बुरी होती हैं तो ऑफकोर्स आपको एक गुस्सा आएगा तो मैं इम्पल्सिव तो हूँ वो मैं मानता हूँ जो वो मेरा ड्रॉबैक है बट फॉर श्योर मैं जितने भी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं थोड़े सिंपल से होते हैं ये मैं जानता हूं बट मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप लोगों ने मुझे विलन बनाया बिग <laughs> बॉस में या ये में इसीलिए मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूं क्योंकि बिग बॉस में फॉर श्योर मेरी रियल आइडेंटिटी बाहर नहीं आई मेरी रियल आइडेंटिटी ये मैं नहीं हूं मैं बहुत ही सॉफ्ट पर्सन हूँ एंड लोगों की इज्जत करने वाला हूँ हमेशा लोगों को प्यार देने वाला पर्सन हूँ लोगों की इज्जत प्यार रिस्पेक्ट मेरे मन में बहुत है मैं बहुत प्रिंसिपल पे चलने वाला बंदा हूँ बट समहाउ मेरी बिग बॉस में आइडेंटिटी नहीं आई एंड अगर चांस मिला तो मैं जाऊँगा फॉर श्योर मैं बिग बॉस में जाऊँगा क्योंकि चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर लानी जरूरी है जो अभी तक बाहर नहीं आई है ऑनेस्ट आपको बता दूं कि ये जो भी इंसिडेंट है राखी के आप लोग प्रैक्टिकली नहीं जानते हो ये सारी चीजें जो है वो मेहर से बेहतर कोई नहीं जानता बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर नहीं आई हैं आप लोगों को सारी सच्चाई नहीं पता है मेरे पास सारे प्रूफ हैं प्रूफ के साथ मैं सब चीजें मैं बाहर निकालूंगा प्रूफ के साथ मेरी और राखी की कुछ शर्तें हैं अगर वो है तो चीजें फुलफिल होती हैं तो ऑफकोर्स वी विल गो और धमाल करेंगे धमाल करेंगे आप लोगों ने राखी और मेरा एक एपिसोड देखा है अब दूसरा एपिसोड देखना बाकी है जाऊंगा तो अपने को इस बार अपने को जिताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने राखी को फिनाले में पहुंचा दिया और खुद को मैंने नॉमिनेशन में डाल दिया लेकिन इस बार खुद के लिए खेलूंगा हाँ इस बार खुद के लिए खेलूंगा हे अंजलि

And to make their relationship official. Take a look at the video, please watch my channel action and subscribe to my channel.